ये भी फंडा है, उन्हें उन्हें अपना ही काम करना है। जी न्यूज वाले आए कि ऐसा ना घिरा किसान को, ऐसे घेर लो। उन्होंने कही बाबा तू हिस्से माफ कर दे, दे भी तू जा, हमें तेरे से बात ही नहीं करनी। ये उनका देखिए सुभाष चंद्र के चैनल है, 16 चैनल जी न्यूज वाले के, और वो बैठा राज्यसभा में, काम तो उनका ही करेगा ना, काम पे लग रहे हैं। अरे एक दिन रात को यहाँ टेंट के पीछे 9 बजे जहाँ बाथरूम करा है किसान, वहाँ कैमरा लगाए खड़े, देखो जी किसान कम तो खबर मैंने पकड़ रहे हैं बाथरूम में किसान कैसे रहेगा। आपका जो बोलेंगे वो दिखाएंगे, राष्ट्र हित में खबर दिखाते हैं ना। हाँ काट दिखाते हैं, ये काट के दिखा मैं, काट के दिखा मैं, उठने वाला किसान, भगने वाला किसान, जाने वाला किसान। ये 2 चैनल है इस देश में, ये सबसे बड़े वायरस और प्रदूषण है, इनके चैनल का भ्रष्ट बहिष्कार हो जाना चाहिए। जी न्यूज वालों के सामने ना, ये तो बात कर रहे, ये नौकरी कर रहे बेचारे, ये थोड़ी है, इन्हें तो वहां से लिख के दिया जा, इन्हें तो वहां से लिख के दिया जा कि तुम्हें ये सवाल पूछने, इससे आगे जाना ही नहीं है, इससे आगे जाना ही नहीं है। कारण क्या है कि इन बेचारों को नौकरी करनी है। देखे जैसे जैसे हमारे वाली अंजना है, वह 70-30 है, 70 सही है, 30 मालिक के दबाव में, जब फोन आ जाएगा ना गलत चले बोले ठीक होंगी सर, तो वो जो लपड़ा इनके, इन्हें नौकरी करनी है यार, रोड का अपना घर चलाना है। वो तो भोंक, उसका चैनल का नाम तो है भोंकता है कुत्ता पूछता भारत, भोंकता है कुत्ता पूछता भारत। 40-50 वो सबसे बड़ा दल्ला इस देश का, सबसे बड़ा दल्ला वो, उसने तो नाश ही करना शुरू करा। अरे सुनो, वो 44 की उसकी घटना की खबर पहले ही उस पर चोर पे के 44 कुछ होने वाला बड़ा, उस पर तक जांच ना हुई, 1 साल तक गायब रहा, फिर आ गया वो, देश की लड़ाई लड़ रहा है। वो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अमेरिका की लड़ाई में कूदूंगा कल को, बात है कुछ। ये इतने हरामी सरकार आई देश में, देखो मैंने भी वोट दिए, मैं भी फंस गया था, परंतु बाद में समझ आई बाजी करे, दूसरी बार उसके चक्कर फंस गया, मगर पाकिस्तान ने भेजे दिखाए मारने को, ये 44 पाकिस्तान को ठीक कर देगा। अब की बार क्या होगा सर? अब की बारी ना पलट देंगे, अब गई इन्हें पलट के, 2022 में ही हो जाएगा। हाँ ये तो हो रहा काम इनका खराब, योगी जी बेचारे का नाश था, उन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया, दोनों ने नाश उठा पड़ा उसका, तो वो नहीं आ रहा। आपको पता नहीं है मथुरा की बारी है इस बार, कहेगी क्यों मंदिर मछरा मथुरा में कम है, 1000 मंदिर है, अरे क्यों बना रहे हो भाई? अयोध्या में भी तो बहुत थे। हाँ कोई समय ये चल गया, देखिए काट की हंडी एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी, जल जाएगी, जल गई है। इस भांड मीडिया ने चलाया था एक हफ्ता के सरकार की बड़ी पहल में क्या कर दिया भाई, कह रहे 2 मान ली, 4 में से नीचे की 2 मान ली थी इन्होंने, पराली वाली और बिल वाली, ये रह गई थी। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति उनकी बनानी है, नहीं आपकी क्या रणनीति? अरे वो जो पुरानी वही है, यहीं रहेंगे किसान पर कहा होती रणनीति, जब इनका जी करा जब मान लो। कई लोगों को डर सता रहा है कि हरियाणा पंजाब का किसान जा सकता है बॉर्डर खाली, कोई नहीं जा रहा, ये सब अफवाह है। सुनो इनका इनका मतलब है कदी मान लो, ये ना तो 22 में 5 गए, 5 के बाद मान लियो, ना तो 22 में 5 गए, 22 के बाद मान लियो, इनकी मर्जी, हम तो बैठे हैं। सवाल वही, हरियाणा पंजाब को MSP मिलती है ना? मैं कह रहा हूँ बड़े छोटे एक भाई के साथ डाका हो रहा है, जब दूसरा भाई अकड़ा हो जाए तो साथ दे पूरा, ये गांव के आदमी है, साथ देंगे लोग पूरा। कहा जा रहा है जत्थेबंदी जाने को तैयार बैठे, जत्थेबंदियों पे कोई नहीं जाएगा, एक आधा को छुटमुट होगा, वो कह रहा होगा सरकार से कुछ हो लिया होगा बातचीत, एक आधे की गांव पाम वाले की, भाजपा एजेंट की, 40 में से कोई नहीं जा रहा, 40 में ही खड़े लठ लिए संयुक्त मोर्चा। तो क्या दिन और चलेगा सरकार को पता है, मार तो आज काम कर दो सवेरी घर। सरकार ने कमेटी में नाम मांगे, आप नाम ही नहीं दे पाए। दे दिए आज कमेटी सहमति बन गई। 702 लोगों के दिए थे सरकार ने, 5 के मांगे थे। अरे 5 के दे दिए, वे दूसरे थे, वे शहीद वाले थे, 5 वाले भी दे दिए आज, कर लो बात, खूब कर लो बात, दे दिए। अब सरकार तय कर ले, सोच ले और हमारा काम कर दे, हम 2 घंटे में घर, हमें घर न जाना। कंगना को क्यों घेर रहे हैं आप लोग? कंगना को कहाँ घेर रहे हैं, हम तो पंजाब में घेर लिए। अरे तो सुनो, गाली दे गए कोई हमारे गांव में होगा तो कुत्ता भी भोंक दे, ये तो भूज रहे होंगे किसान के, बता आजाद देश में घूम रही है गुलाम में,
या किसी अंग्रेज का भाषण मांजरी होती, आज अगर ये देश आजाद ना होता तो किसी करने का कोई समस्या खल है? लिंची करने का कोई समस्या खल है? लिंची आकार में जो घेर लिया उन्होंने, हमले करने की तैयारी कर लिया। अरे तो तू सुन के काम में जाए क्यों रही अपने घर रहे? जा भी नहीं सकती या उसके कच्चे उसके रहने के लोन में मोदी का या योगी का पहुंच जाए लखनऊ, दूसरे काम में क्यों जा रही है लेने? उन्हें गाली देगी भगत सिंह को, वो गाली देगी आजादी पे टिप्पणी करेगी, फिर गांव में घूमेगी खुली इस भारत देश में? कानून आप लोग हाथ में लेओगे? कानून हाथ में क्यों, अरे मारपीट की के जरूरत है? ले 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 करके भगा दो, भागले 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 भागले, अरे मारपीट की के जरूरत है इसमें? गाली गलौज की के जरूरत है? माफी मांग तो ली आपसे? हैं माफी मांग तो ली उसने आप लोगों से? अच्छा एक दिन गाली दोगे एक दिन माफी? क्यों भाजपा की इस की क्लास में पड़का ही है, ऐसे ही वे मांग करे ऐसे ये कर रहे हैं दोनों एक से हो रहे। अरे से के अच्छा देश पे बोलने की से के जरूरत है? नाचने गाने का काम उस पे बोलती, मुझे बढ़िया सा कोई प्रोग्राम दुआ दो। नहीं तो वो भी तो देश की है, नागरिक है, बोलने का अधिकार तो है। मतलब किसान पे उसे पता भैंस दूध आगे से दे या पीछे से? अगर जो हम कभी गांव में गए नहीं पता नहीं, पता नहीं गेहूँ पेड़ पर लगा के जमीन में पैदा हो उसे क्या ज्ञान है भाई? अरे एसी में पैदा हुई, बम्बई में नाच रही है, लोग देख रहे हैं, अपने काम पे बोल। आप तो कहते हो ज्ञान तो प्रधानमंत्री सरकार को नहीं है, फिर भी फैसला तो वही कर रही है ना, देख लो आपका। कौन सरकार? सरकार और कौन कर रही है? सरकार नहीं कर रही, सरकार इस देश में नहीं है, इस देश में मोदी और रिमोट कंट्रोल है बम्बई। मोदी की समझ में आ गई कि पूरे कुणबाई जाता दिखा है तो पांच तो गए बैठे हैं समझ में, कहा उन्होंने कहा तपस्या में कमी रहेगी मेरी। अच्छा उन्होंने कहता, अच्छा कभी चोर थाने के मैं दरोगा का गए कहता कि मैंने नू लूट लिया, वो कहता वैसे मेरे जेब में आ गया सामान जब लौटा हुआ है, उससे कहलवाओगे प्रधानमंत्री? इतनी बात कह दी वो बहुत है, अगर मेरी तपस्या में कमी रहेगी जनता की भी तपस्या में कमी रहेगी, 24 में पूरी कर देंगे। अगर सारी बात मान ले जाए वोट तो दोगे ना बीजेपी? क्यों देश को लुटवाना बिकवाना बिकवा कराओगे, पूरा नाश खाओगे देश का? आपने कहा तो योगी बहुत अच्छा आदमी है, योगी अच्छा पर बेचारे पर पावर ना, अधूरा मुख्यमंत्री है, सारा काम कर दे ना, काम तो दिल्ली से फोन पे हो गए, योगी ऐसे कर ऐसे कर। सर मुट्ठी भर सरकार ने, मुट्ठी भर किसान ने मजबूर कर दिया सरकार को बिल वापस लेने के लिए। देखो पहली बात तो ये क्योंकि सरकार तो ऐसा कहती है ना कि ये तो मुट्ठी भर किसान, पहली बात तो किसान सरकार ने फेविकोल छुटा मोदी के होटो से, पहली बार उसने किसान मान लिए। हम तो आतंकवादी थे, हम तो पाकिस्तानी थे, हम तो अफगानिस्तानी थे, हम तो हमारे तो फंडिंग मोदी का मामा चीन से पैसे भेज रहा था बड़ा और उससे हम रोटी खा रहे थे। इन्होंने किसान तो माने, इनकी नींद तो खुली, ये ऐसा यूपी में जाके पता चला बड़ा बड़े मीटिंग लगाई, देखा डीएम सोबस भेज रहा आ रही है भर के 397 खाली, उनने कह रहे होगी ये तो नाश हो लिया तो यूपी गई भाग के दिल्ली जाकर समझौता कर लो, तब हुआ आयो इन्हें 22 का खतरा 22 का, नहीं तो ये यूपी 80 सीटों की यूपी है, ये तो 280 तो यहीं से गाया मैं, इसलिए इसे समझ आती किसानों का भला होता। अच्छा पहले दिन वार्ता करने में क्या शर्म ही, पर क्या समझ आया सर? सरकार तो कह रही थी हमें किसानों के वोट की समर्थन की जरूरत ही नहीं है, बिना उनके समर्थन के सरकार बना ले जाएंगे। ऐसा है ये जो इनके मंत्री संतरी कहता भोंक अब चला जा ना, आज हर मंत्री पीछे गेहूं की बाल लगा रहा फोटो में पीछे अपने खेत, जब इंटरव्यू दे किसान का खेत दिखावे मोदी खाट दिखावे जूते लेके बैठा, इन्हें किसान इनके दिमाग में बांट दिया इस किसान ने कि इसे मत भूलना बेटा, इसे मत भूलना, 70% है गांव में 70% रह जनता। और आज पहली बार इस देश में किसी MLA की ऐसी हैसियत हो गई है कि ड्राइवर से कहते झंडा तार ले बत्ती हूँ तो MLA हूँ, चोरी चोरी जाऊँगा दो रसगुल्ले खाऊंगा और भाग जाऊँगा शादी में, नहीं तो गांव वाले बाहर तक छोड़ का मैं लठ ले गए कि भाई इस गांव में गलत आ गया।